आसिफ पठान साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं। आसिफ जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास दो सवाल है सर। बताइए। फर्स्ट सवाल ये है कि मेरे वाइफ को 2 साल पहले आंख को चोट आई थी। ओके। तो उसको लेंस डाला था डॉक्टर ने। जी। लेंस डालने के बाद उन्होंने ओमना कॉर्टिक 20 mg जो स्टेरॉइड ड्रग्स था। अच्छा। उसको 3 महीने तक लगातार मतलब पर डे 40 mg चालू रखा। जी। अब ये जो महामारी आई हुई है ब्लैक फंगस की, अगर स्टेरॉइड इतना दिया गया था, मैंने डॉक्टर से बात भी की थी, उनका वेट भी कम था करीबन 35 kg, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, वेट कम है पर देना तो पड़ेगा इससे मतलब कि ठीक। लेकिन ये बात हो गई 2 साल पहले, राइट? जी सर। अच्छा, और आप अपना दूसरा सवाल भी जल्दी से पूछें। दूसरा सवाल ये है कि मैं मेरे घर में मैं कोविड पॉजिटिव था और मेरी बच्ची 14 साल की कोविड पॉजिटिव। ठीक है। और इसमें ये है कि अब क्या ये जो अब आप लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, अभी भी पॉजिटिव है सर? अब नेगेटिव है। अब हमको खाने पीने में क्या चेंजिंग और कौन कौन सी सावधानी? आपने अच्छा पॉइंट पूछा है, मैं डॉक्टर भार्गव से क्विक रिएक्शन लूंगा। डॉक्टर भार्गव, 2 साल पहले जो स्टेरॉइड लगाया, क्या उसका अभी असर हो सकता है? क्या वो इनिशिएट कर सकता है ब्लैक फंगस? नंबर वन। नंबर टू, पत्नी और ये कोविड पॉजिटिव थे, अब इनको क्या खान पान रखना चाहिए, मतलब बेटी और ये कोविड पॉजिटिव? बहुत सिंपल जवाब है, हमारे लाखों हीमेटोलॉजी के पेशेंट स्टेरॉइड सालों भर से ले रहे हैं, उनमें हमने ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस ज्यादा नहीं देखा। तो अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, आपको कोविड वाइफ को नहीं हुआ हुआ, लंबे समय तक स्टीरॉइड मतलब एक मुश्त में 14 दिन तक नहीं चली हुई, ऑक्सीजन नहीं लगी, तो आपको अनलाइकली है कि म्यूकोरमाइकोसिस होगा, बट हाँ सिम्टम्स को देखते रहना आवश्यक है। दूसरी चीज, पौष्टिक खाना खाना, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, घर में सात्विक खाना बना के रोज खाना आवश्यक है, रादर देन सप्लीमेंट्स की जगह अपना नॉर्मल खाना खाइए, व्यायाम करिए। 3 महीने आपको भूख खुलने में, स्मेल आने में, टेस्ट आने में और वीकनेस जाने में लगेंगे। वेरी वैल्यूएबल डॉक्टर साहब, वेरी वैल्यूएबल इनपुट, थैंक यू। ये बड़ा वैल्यूएबल है कि आप घर में अपना खाना खाइए और आपको 3 महीने लगेंगे, सो हैव पेशेंस। डॉक्टर रवि मलिक सर, एक सवाल, पीडियाट्रिशियंस जो हैं उनके लिहाज से कम इम्यूनिटी वाले बच्चों में ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ल्यूकोरिया पीड़ित मां से बच्चों में हो सकती है बीमारी, आइए ब्लैक फंगस का अटैक, ये यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जरा तुरंत यहां पर तेजी से आए, अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाह रहा हूं, इसको देखें आप किस तरीके से, यहां पर जो फैक्ट्स हैं उसको प्ले करें, यहां पर देखिए आप, ये जो हमारे पास चीजें, बच्चे रखें अपने मुंह का ध्यान, दिन में 2 से 3 बार ब्रश करें, नंबर वन। नंबर टू, ओरल रिंसिंग है, रिंसिंग ज्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट, टूथब्रश और टंग क्लीनर कीटाणु रहित करना, ज्यादा पुराना ब्रश इस्तेमाल ना करें। ये दोनों चीजों को लेकर मैं सीधे डॉक्टर रवि मलिक के पास आऊंगा। सर, कुछ और चीज आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि ये बीमारी बच्चों में भी होने लग गई है, तो आम तौर पे हम लोग यही समझते हैं कि बड़ों के अंदर ही कोमॉर्बिड कंडीशन है, ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर भी कोमॉर्बिड कंडीशन होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर से ग्रसित हैं, जिनको की एंटी कैंसर थेरेपीज चल रही है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जुबिनाइल डायबिटीज है जो कि जन्म से ही डायबिटीज होती है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चाइल्डहुड अस्थमा है या चाइल्डहुड हाइपरटेंशन है, इन और बहुत सारे बच्चे हैं जो मोटे बहुत होते हैं, इन सबको भी हमें कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये वल्नरेबल बच्चे ऐसे हैं, अगर इनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड होता है और इनको ऑक्सीजन में रखना पड़ता है और आईसीयू में रखना पड़ता है, इनको भी म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमें म्यूकरमाइकोसिस को प्रिवेंट करना है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हॉस्पिटल्स की सफाई होनी बड़ी जरूरी है, जिस भी पानी से निकल के गैस निकलती है उस पानी को डिस्टिल वाटर होना चाहिए, डेली वो बॉटल चेंज होनी चाहिए, ऑटोक्लेव होनी चाहिए, और बच्चों को ओरल हाइजीन रखनी बड़ी जरूरी है। जैसे आपने 3 बुलेट पॉइंट्स बताए हैं, बहुत अच्छे, रेगुलर ब्रश करें, ब्रश को क्लीन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माउथ को फ्रीक्वेंटली रिंस करें ताकि फंगस आपके अंदर ना जाए। पॉइंट टेकन। समीर गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ हैं, पूछिए अपना सवाल समीर जी। हेलो बताइए सर। एक्चुअली 2-1 दिन पहले मैं बारिश में भीग गया था, ओके, और मेरे को कल पूरा दिन फीवर था, 102 तक फीवर था, और पेट भी खराब था और बॉडी पेन भी था, लेकिन मैंने पैरासीटामोल ली थी कल 3 बार और एक आज सुबह, अभी मुझे बिल्कुल भी कोई फीवर नहीं है, कोई बॉडी पेन नहीं है, तो क्या मुझे आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए? सर, जो भी बीमारी होती है, जितना भी हमने डॉक्टर से पूछा है, मैं डॉक्टर से अभी और सवाल भी पूछे जा रहा हूं, और भी कॉलर्स हैं, आपको कोई भी फीवर आए, यू ट्रीटेड एज कोविड, तो सबसे पहले आप आरटीपीसीआर कराएं उसका।
आप कराएं उसका आरटीपीसीआर, आप ठीक हो जाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरटीपीसीआर इज मस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। डॉक्टर शर्मा अब वेरी क्विक टेक ऑन इट। बिल्कुल, हर बुखार कोविड नहीं है, लेकिन कोविड पेंडेमिक की कंडीशन में हर बुखार को हम मान के चलें कि कोविड है। yes. 5 दिन तक आरटीपीसीआर कराएं, आरटीपीसीआर निगेटिव है तो भी 5 दिन तक ये मान के चले कम से कम कि हमें कोविड है, और कोविड में कुछ नहीं करना है, बुखार नापते रहना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना जी, है जी। और अगर नॉर्मल पर्सन है तो 6 मिनट वॉक के बाद भी ऑक्सीजन चेक करना Point है। taken. अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।